यूरोप में जो राष्ट्रवाद के कारण हम लोग पढ़ रहे थे, तो सबसे पहला कारण पढ़ रहे थे पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के पीछे का कारण जान गए थे हम लोग। पुनर्जागरण के बाद दूसरा कारण था 1789 की क्रांति। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुआ था उसके बारे में। अब तीसरा योगदान था नेपोलियन का। जैसे ही 1799 में फ्रांस की क्रांति खत्म हुआ, 1799 में क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति समाप्त हुआ, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो, जब 1789 में फ्रांस की क्रांति चल रहा था, तब ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था, तब उसकी क्या भूमिका थी, तब वहां का फ्रांस का ये क्या था, सेनापति था। जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, फ्रांस का सेनापति था, ठीक है ना। लुई सोलहवां शासक था ना, लुई सोलहवां शासक था और उसका सेनापति कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, सेनापति था। 1789 में, 1789 की क्रांति जब चल रही थी तब नेपोलियन क्या था, सेनापति था। अब ये सेना का प्रमुख था, सेना का क्या था, हेड था। सेनापति मतलब क्या, सेना का जो हेड हो। अब ये क्या किया, अपना प्रभाव धीरे धीरे बढ़ाते रहा। 1789 के बाद 1791, 1792, 1793 ऐसे करके पूरा सेना को अपने अंदर कर लिया। अब उसके बाद लुई सोलहवां को जब गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, तब तो पूरा सेना में इसका हो गया, तो ये पूरा अपना सेना बना लिया, ठीक है ना। अब क्या किया, ये बहुत योग्य सेनापति रहा, ठीक है ना। पूरे दुनिया भर में इसका नाम लिया जाता है सेनापति के नाम लेने पर। सेनापति, योग्य सेनापति किसको मनाया जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट। इसको नेपोलियन वन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नेपोलियन वन। इसको नेपोलियन वन भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब आगे सुनो, अब हुआ क्या, 1799 तक फ्रांस की क्रांति चला। 1799 में क्या क्या, फ्रांस में देखा था कि अराजकता फैल गई थी, कि कौन राजा बनेगा, कौन क्या होगा। तो क्या क्या कि फ्रांस में आक्रमण कर दिया, फ्रांस में आक्रमण करके वहां पर क्या बन गया, कांसलर बना। क्या बना, कांसल। कांसल मतलब क्या होता है, मंत्री परिषद, ठीक है ना। वहां का मंत्री बना, मंत्री टाइप का, यानी वहां का पूरा हेड बना। कहां का, तो फ्रांस का। फ्रांस का कांसल के रूप में कब तक रहा, तो 1804 तक। कब तक, 1804 तक क्या बनकर रहा, कांसल। अब क्या किया इसने, 1804 में अपने आप को बोला कि मैं फ्रांस का सम्राट हूं। पूरे फ्रांस का राजा बन गया, पूरे फ्रांस का क्या बन गया, राजा। तो फ्रांस का पहला राजा यही था, ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। पूरे फ्रांस का क्या बोल दिया, कि मैं पूरे फ्रांस का सम्राट हूँ। वो तो मतलब कि वो पूरे फ्रांस का नहीं था, अब मान लो कि ये फ्रांस के आसपास के क्षेत्र को भी विजय किया, यहीं तक नहीं ना रुका नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट इटली को और भी विजय प्राप्त किया था, इटली के बाद जर्मनी को भी अपने विजय कर लिया था। अब देखो क्या क्या हुआ था, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था, आगे बहुत जगह आक्रमण किया, ठीक है ना, बहुत सारा युद्ध लड़ा और ये युद्ध में बहुत कम हारता था, ठीक है ना। अब मान लो कि टोटल अगर 40 को युद्ध लड़ा होगा, तो उसमें से 5-6 को हारा होगा, वो भी अंतिम टाइम में, नहीं तो शुरुआत में बहुत युद्ध जीता है ये, ठीक है ना। बहुत योग्य सेनापति था। तो 1804 में क्या बोल दिया, कि मैं फ्रांस का सम्राट हूं। अब फ्रांस के जनताओं के लिए एक अच्छा काम करके गया, फ्रांस के जनताओं के लिए क्या किया, एक बहुत अच्छा काम किया। क्या, तो जो सामंतवादी प्रथा था ना, सामंतवादी, कुलीन होता है ना, और पादरी, ये जो अभिजात्य वर्ग होता है, तो उनको हटाकर एक समान शब्द कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं, नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता लागू किया, ठीक है ना। ये एक प्रकार का नियम है जिसके आधार पर सबको एक समान अधिकार दिया गया, ठीक है ना। तो नेपोलियन के द्वारा ही ये किया गया था 1804 में। अब हम लोग आगे क्या, कि नेपोलियन संहिता किसके द्वारा लागू किया गया था, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। इसी को क्या बोलते हैं, समान नागरिक संहिता, ठीक है ना। यानी कि एक समान, सभी नागरिक को क्या कहा गया, सभी नागरिक एक समान है। सामंतवादी व्यवस्था को अंत करके क्या कहा गया, सभी नागरिक एक समान है, ठीक है ना। यानी कि जो पादरी, कुलीन, ये सब वर्ग होता था ना, इन सभी को हटाकर क्या किया गया, सबको एक समान कर दिया गया। इसी को क्या बोलते हैं, नेपोलियन संहिता। इसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, नेपोलियन कोड, ठीक है ना। अब देखो, इसके बाद तो ये पूरा फ्रांस का सम्राट बन गया। अब 1804 के बाद ये क्या किया, धीरे धीरे इटली पर आक्रमण किया, इटली को जीत लिया। तो इटली में बहुत सारा छोटा छोटा राज्य था, इटली में क्या था, छोटा छोटा राज्य। वहां पर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, लेकिन इटली में भी राष्ट्रवाद का भावना आ गया।
अब पूछो कैसे, तो जब नेपोलियन ने क्या किया, इटली को जीत लिया। इटली को जीत कर वहां पे बहुत छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे राज्य और उसके राजा सबको खत्म कर दिया, यानी सबको खत्म करके एक बड़ा गणराज्य बना दिया इटली को। तो इटली के लोग अब सोचने लगे, वहां के लोग, ठीक है ना, मतलब कि यहीं से उनके मन में अब ये भावना जग गई। जैसे ये हुआ था ना, हम लोग यूरोप में पढ़ रहे थे, फ्रांस के लोगों के मन में कैसी भावना जगी, तो इटली के लोगों के मन में कब भावना जगी कि हमें एकता के साथ रहना है, ये नेपोलियन के द्वारा। इसलिए इटली और जर्मनी दोनों जगह जो एकीकरण का नाम पढ़ेंगे, इटली में एकीकरण, जर्मनी में एकीकरण, दोनों का आधार किसने बनाया था, नेपोलियन ने। इसलिए नेपोलियन का नाम हम लोग पढ़ेंगे। तो इटली में, इटली के एकीकरण में नेपोलियन की क्या क्या भूमिका थी, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि इटली में पहले भौगोलिक असुविधाएं थी, यानी कि बहुत सारे अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे। इटली क्या था, बहुत अलग अलग छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था, अलग अलग राजाएं होते थे। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, इटली को जीतकर सभी छोटे राज्य को समाप्त करके एक गण राज्य का निर्माण किया। गण राज्य मतलब कि लोगों के द्वारा जिस राज्य का शासन चलाया जाए। तो उनके मन में अब वो जाग गया क्या, कि हम लोगों के ऊपर जब राजा शासन कर रहा था हम लोगों के ऊपर, तो हम लोगों की स्थिति दयनीय थी। हम लोगों के ऊपर से सामंत जितना हम लोग अनाज उगाते थे सब लेकर चले जाते थे। लेकिन जब गण राज्य का गठन कर दिया गया, तब उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना जग गई, ठीक है ना, यानी कि उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना जग गई। इसी के कारण ये गण राज्य का गठन किया गया। अब क्या किया था नेपोलियन, इटली पहाड़ी क्षेत्र था जहां पे यातायात की बहुत कमी थी, तो उसने क्या किया, वहां के सड़क निर्माण करके यातायात व्यवस्था को ठीक किया, ताकि इटली के सभी राज्य एक साथ जुट जाए। अब बताओ, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने लगेंगे, व्यापार करने लगेंगे, तो दोनों राज्य कनेक्टेड हो गया ना, यानी कि इटली को जोड़ने का काम किया था कौन, नेपोलियन ने। नेपोलियन क्या किया था, सिर्फ फ्रांस में ही नहीं रुका था, आसपास के सभी देशों को क्या किया था, ये प्रभावित किया था। नेपोलियन जब तक रहा तब तक चारों ओर राष्ट्रवाद का उदय होते रहा, ठीक है ना। अब देखो, इसीलिए इसको नेपोलियन युग कहा जाता है। ये कौन सा युग चल रहा है अभी, नेपोलियन युग, ठीक है ना। अब हुआ क्या, इटली में छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करके एक गण राज्य का गठन किया, और साथ ही साथ इटली में क्या किया, यातायात व्यवस्था को अच्छा किए, ठीक है ना, यानी कि सड़क निर्माण करवा के इटली को सब जोड़ दिया गया। तो इटली के एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका थी, तो इटली बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट ने सभी राज्यों को जीत लिया, ठीक है ना, सभी राज्यों को जीतकर उन सभी राज्यों को एक साथ मिला के एक गण राज्य का गठन किया, और यहां के सभी यातायात व्यवस्था को अच्छा किया, जिसके कारण इटली के लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावना की भावना उत्पन्न हो गया, यानी कि वो लोग एकीकरण की तरफ बढ़ गए। यानी एकीकरण की रास्ता का विस्तार किसके द्वारा हुआ, नेपोलियन के द्वारा। अब जर्मनी, जर्मनी पहले जर्मनी नहीं था, मतलब कि जर्मन राज्य था, ठीक है ना, वह प्रसा उरसा सब अलग था। तो जर्मनी में किया क्या था, मतलब कि 300 गो राज्य था जर्मनी में, कितने राज्य थे, 300, सोचो 300 राज्य थे। और नेपोलियन ने क्या किया, सभी राज्यों को जीतकर नेपोलियन ने जितना राज्य जीता था, अब देखो नेपोलियन ऐसा क्यों किया था, अपने फायदे के लिए किया था। नेपोलियन अगर अलग अलग राज्य टुकड़ा टुकड़ा करके अपना राज्य रखेगा, नेपोलियन सब जीतना गया था, अब टुकड़ा टुकड़ा करके रखेंगे तो फैल ना जाएगा चारों तरफ, बिखर ना जाएगा। इसलिए हमारे पास जब बहुत सामान होता है तो उन सभी को हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसी तरीके से वो इकट्ठा किया था, अलग अलग टुकड़े में बटा हुआ था, उसने क्या किया था, एक साथ जोड़ दिया था, ताकि शासन आसानी से किया जा सके, ठीक है ना। तो जर्मनी में क्या किया, जर्मनी के सभी 300 छोटे बड़े राज्यों को क्या कर दिया, जितना जीता था सबको एक साथ मिलाकर राइन संघ राज्य का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, राइन संघ राज्य, या फिर राइन राज्य संघ का निर्माण कर दिया। तो राइन संघ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। नेपोलियन जब जर्मनी के सभी राज्यों को जीत लिया था तो उन सभी को एक साथ मिला दिया, जिसका नाम क्या रखा, राइन संघ राज्य। तो राइन नदी से नाम पड़ा है, वहां पर राइन नदी है, ठीक है ना। तो राइन संघ राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। कब किया गया था, 1806 में। नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया था, 1804 में। इसी को एक समान नागरिक संहिता भी कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या हुआ, ये जर्मनी के एकीकरण में इसकी भूमिका है। अगर पूछ दिया जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका थी,
तो हम लोग बोलेंगे जर्मनी बहुत सारे छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, 300 छोटे बड़े राज्यों में, ठीक है ना। उनके अंदर एकता की भावना की अभाव थी, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने किया क्या, सभी राज्यों को जीतकर एक राइन संघ राज्य का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? राइन संघ राज्य, यानी सभी को एक साथ जोड़ दिया 1806 में। और इसी तरीके से वहां के लोगों के मन में अब भावना जग गया क्या, कि हम लोगों को एकीकरण करके रहना है, यानी कि हम लोगों को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। स्वतंत्र राष्ट्र क्यों बनाना चाहते थे लोग, क्योंकि जब छोटा छोटा राज्य होता था तो वहां के राजा तानाशाही शासन करते थे, अपने मनमानी शासन, मनमानी टैक्स वसूलते थे, मनमानी फसल ले लेते थे उनसे, इसलिए वो लोग स्वतंत्र होकर एक अपना राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद की भावना, ठीक है ना। अब देखो लेकिन हुआ क्या 1814 ईस्वी में, हुआ क्या, ऑस्ट्रिया का नाम सुनो, ऑस्ट्रिया एक शक्ति थी, बहुत बड़ी शक्ति। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया की चांसलर कौन था? मेटरनिक। अब मेटरनिक के द्वारा क्या किया गया, मेटरनिक के द्वारा और जितने भी विजयी शक्ति, रूस का नाम सुनो, रसिया, ये जो नेपोलियन था ना, रसिया पर भी आक्रमण किया था, सोचो रूस पर भी आक्रमण किया था। लेकिन थोड़ा सा परेशानी क्या हुआ था कि रूस में उस टाइम ठंडा का मौसम चल रहा था, जिसके कारण नेपोलियन के सैन्य शक्ति को बहुत क्षति पहुंचा वहां पे, ठीक है ना, इसलिए हार गया था, ठीक है ना। और एक बार सुनो होगा क्या, ऑस्ट्रिया से भी युद्ध हुआ था, यानी कि इसके दुश्मन कौन कौन थे, ऑस्ट्रिया, रूस और साथ में इंग्लैंड, यूके। अब हुआ क्या सुनो, इंग्लैंड के साथ 1815 में युद्ध हुआ, जिसको वाटरलू का युद्ध बोलते हैं। वाटरलू के युद्ध में इंग्लैंड ने किया क्या, नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया, ठीक है ना, हराकर उसको बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर किया क्या, वहां से हटाकर 1815 ईस्वी की बात है, 1815 में अब नेपोलियन युग समाप्त हुआ, नेपोलियन युग समाप्त, ठीक है ना। नेपोलियन की हार हो गई वाटरलू के युद्ध में, और उसमें किया क्या, क्या किया गया, नेपोलियन को बंदी बनाकर अंध महासागर में, यानी अटलांटिक महासागर में एक द्वीप था, हेलेना द्वीप बोलते हैं, और उसी द्वीप में आजीवन कारावास में डाल दिया गया, यानी जीवन भर के लिए जेल। तो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा, 6 साल तक जिंदा रहा, हाँ जेल में, 1821 तक जेल में। अब आजीवन कारावास हो गया था, आजीवन कारावास का मतलब क्या, अब जितना दिन तक जिंदा रहेगा जेल ही में। तो बाद में क्या सुनाई दिया, कोई कोई बोलता है कि आर्सेनिक डालकर, आर्सेनिक खिलाकर मार दिया गया, कोई कोई बोलता है कैंसर से मर गया, लेकिन 1821 में मर गया, ठीक है ना। लेकिन 1815 में ही इसका नाम समाप्त हो गया। हम लोग 1815 तक ही पढ़ेंगे नेपोलियन, यानी नेपोलियन युग का समाप्त। अब नेपोलियन युग जब समाप्त हो गया तो नेपोलियन ने देखो पूरा यूरोप को हिला के रख दिया था। सुनो, फ्रांस का तो सम्राट बना ही था, इटली भी जीत लिया था, जर्मनी भी जीत लिया था, रूस पर भी आक्रमण किया था, ऑस्ट्रिया पर भी आक्रमण किया था, इंग्लैंड के साथ भी युद्ध किया था। तो जब मेटर, जब ये अब नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बनाकर भेज दिया गया, तो देखा क्या गया, पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना फैल गया था। पूरे यूरोप में क्या फैल गया था, राष्ट्रवादी भावना, और सभी जगह पर युद्ध की स्थिति बन गई थी। तो इसीलिए शांति, यूके, यूके और नेपोलियन के साथ, यानी कि इंग्लैंड मान लो, इंग्लैंड के साथ नेपोलियन का, इंग्लैंड देसी ना है, फ्रांस, नेपोलियन फ्रांस का ना सम्राट था, पूरे फ्रांस का। हाँ, चांसलर किसे कहते हैं, ध्यान से समझो। देखो चांसलर दो जगह सुनने को आएगा, एगो जर्मनी में और एगो ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक और जर्मनी का चांसलर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी भी जर्मनी का चांसलर होता है। तो चांसलर किसको कहते हैं समझो, रोम का नाम सुने हो ना, रोम, ठीक है ना, जहां पे पोप लोग रहते थे। तो रोमन साम्राज्य जैसे हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता है, हम लोगों का सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, बहुत प्राचीन सभ्यता। तो वहां के लोग, यूरोप में रोमन सभ्यता था, कौन सी सभ्यता, रोमन सभ्यता, वहीं से रोमन लिपि लिया गया है, जिससे हम लोग लिखते हैं अंग्रेजी, रोमन लिपि, हम लोग का देवनागरी लिपि है ना, और इंग्लिश किस लिपि में लिखा जाता है, रोमन लिपि, तो रोम का ही लिपि है। तो रोमन जितना भी साम्राज्य था वहां पर, जैसे हम लोग ये जज होते हैं ना, जज न्यायालय के, न्याय करने वाले, न्यायाधीश जिसको बोलते हैं, तो उसी को वहां पर चांसलर कहा जाता था। चांसलर किसको कहते थे, जज को,
ठीक है ना। अब लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, पूरे देश के प्रधान को चांसलर कहा जाने लगा, जो कि प्रधानमंत्री के समान होता है, ठीक है ना। यानी पूरे देश का हेड कौन होता है, चांसलर। इसी तरीके से ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था, मेटरनिक। अब मेटरनिक क्या किया था, ये जो नेपोलियन को हराया गया था ना, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेटरनिक का था, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया एक बड़ी बहुत बड़ी शक्ति के रूप में आ गई थी। यानी जब नेपोलियन खत्म हो गया, उसके बाद किसका राज अब चालू हुआ, मेटरनिक का राज चालू हो गया। अब मेटरनिक युग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना।